हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोनोसेफ ओ 100 के बारे में। ये मोनोसेफ ओ जो 100 है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, और इसे हम कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक तरफ मोनोसेफ ओ 100 है और एक तरफ मोनोसेफ ओ 50 है। अब ये दोनों जो दवा है, ये दोनों सिफोडक्सिम ओरल सस्पेंशन IP है। अब जो मोनोसेफ जो ओ 100 आता है और जो मोनोसेफ ओ 50 आता है, वो दोनों का अलग अलग उम्र के बच्चों को दिया जाता है, बट दोनों सेम ही चीज़ है। ये केवल डोज पे काम होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो मोनोसेफ ओ 100 mg है, ये एक तरह का एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच्चों को बचाता है। वो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नोज़ में इन्फेक्शन हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, किसी वजह कोई स्किन डिजीज हो उसको, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, इस सब में ये काफ़ी कारीगर है। वैसा ही जैसा कि मोनोसेफ 50 है, वो सेम यूज़ में भी ये भी लिया जाता है। लेकिन ये जो मोनोसेफ ओ 100 और जो मोनोसेफ ओ 50 है, ये दोनों दवा साइक्लोस्पोरिन ग्रुप में आते हैं, और ये जो साइक्लोस्पोरिन में ग्रुप में जो आने वाले जो मेडिसिन है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी कारीगर होते हैं। किसी प्रकार कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, छोटे बच्चों में ये काफ़ी कारीगर माना गया है। बात करते हैं अब इसके डोज का। यदि 3 साल से कम का बच्चा है, तो उसे 5 ml सुबह शाम आप दे सकते हैं मोनोसेफ 50 mg, और यहीं यदि 3 साल से ऊपर का बच्चा है, 7 साल तक के बच्चा को आप 5 mg सुबह शाम दे सकते हैं मोनोसेफ 100 mg। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल का। आप इसको जब डब्बा को ओपन करेंगे, तो इसमें आपको एक सस्पेंशन, एक पाउडर दिखेगा और एक लिक्विड दिखता है, जो स्टराइल वाटर होता है। आपको उस वाटर को इस वाले डब्बे में डालना है और इसे घोल देना है। इसके बाद इस मेडिसिन को आप 7 दिन से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, और जब भी इस बच्चों को आप दें, तो 1 से 2 खुराक में बुखार उसका कम हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी कम से कम उसके डोज को पूरा करना है, कम से कम 3 डे उसको मेडिसिन ज़रूर देना है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, वो हमें उसी समय एकदम इंस्टेंट दिख जाते हैं, जैसे बच्चा वोमिटिंग कर देता है, या डायरिया हो जाता है उसे, या नोजिया हो जाता है, या हेडक का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब बात आ गया है ये करने का कि ये जो मेडिसिन है, ये कैसे काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। जो बैक्टीरिया हमें हमारे अंदर बॉडी को जो इफेक्ट करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है, जिससे जो बैक्टीरिया जो ग्रो हो रखा है वो तो मर जाते हैं, और आगे आने वाले बैक्टीरिया का ग्रोथ ये स्टॉप कर देता है। इस तरह से ये काफ़ी कारीगर मेडिसिन है। अब इसका इस्तेमाल आप कोल्ड और फ्लू जैसे सिम्टम में नहीं कर सकते, इसमें ये कारगर नहीं होता है। ये एंटीवायरल ड्रग नहीं है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक वाइड रेंज के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर है, जो हमने आपको बता रखा है कि इसे आई, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में काफ़ी। तो इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, तो आप कमेंट सेशन में अपना सेशन जरूर दे सकते हैं, हम उसे रिप्लाई करने का कोशिश जल्द से जल्द जरूर करते हैं। ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और किस मेडिसिन के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेशन में अपना सेशन जरूर दें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।